अरे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। अभी अरे आओ जा रही। बैठो बैठो, ये चोट कैसे लग गई? केस के चक्कर में पार्टी ने गुंडे भेजकर पिटवाया। अरे मुझे खबर भेज दी होती, हम भी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाई या नहीं? हाँ लिखवा दी। हाँ सर कौन है? ये मेरे दोस्त हैं, नाम है रायलपुरम सत्यनारायण। इनका नाम सुना होगा तुमने, टीवी मैगजीन रेडियो सब जगह कोई ना कोई सवाल पूछते ही रहते हैं भाई साहब, कोई भी क्विज कॉम्पिटिशन नहीं छोड़ते। यही है वो? हेलो यहाँ बैठिए। मॉर्निंग अंकल। दुनिया की बड़ी पत्रिका ने बम्पर मुकाबला रखा है, सारे शब्दों को मिला के उसमें डाला है, हमें ठीक शब्दों को ढूंढना होगा। हर एक कॉम्बिनेशन में लिख के देखा मैंने, लेकिन नहीं ढूंढ पाया। एक दो संस्कृत शब्द भी है इसीलिए उसमें। जब इन्होंने पूछा संस्कृत जानने वाला कोई है, तो याद आया कि तुम संस्कृत में राइट लेफ्ट सेंटर सब कुछ जानते हो, तुम तो माहिर हो, इसलिए इनको तुम्हारे पास लाया। जीत गया तो सैमसंग कलर टीवी मिलेगा मुझे। यू डोंट वरी, आई विल हेल्प यू। अहम पदम अहम। कुंभिपाकम मेरे ने जम्बो किर्मी भोजनम संस्कृत तो है। ये सब क्या है? ये सब पाप करने वाले लोगों को नरक में देने वाली सजाओं के नाम हैं। है? करीब 28 प्रकार के हैं, कुल मिला के 84 लाख से ऊपर हैं। गरुड़ पुराण में इनके बारे में विस्तार पूर्वक लिखा है। उन सब के अर्थ पता है पिताजी? जरा वो गरुड़ पुराण ले आइए तो। दादी ने बचपन में इसके बारे में बताया था मुझे। ये लो बेटा। अंधकूपम का मतलब अंधेरी गुफा में आदमी को धकेल कर भैंसों से उसे कुचलवा कर मरवाना। धोखा देने वालों को, खून करने वालों को, दूसरों की जान की परवाह न करने वालों को इस तरह की सजा। कुंभी पाकम का मतलब? ये सब सुनी हुई सजा है, गर्म तेल की कढ़ाई में डाल के तलना। अपनी खुदगर्जी के लिए लोगों को परेशान करने वालों के लिए ये सजा। मेरी जना का मतलब नहीं, कृमि भोजनम का मतलब ये एक प्रकार से स्लो डेथ है, खून चूसने वाले कीड़ों को काटने के लिए छोड़ना। अपने फायदे के लिए जनता को कीड़ों की तरह इस्तेमाल करने वालों के लिए ये सजा है। इसमें हर पाप के लिए अलग अलग पनिशमेंट है बेटा। वज्रघंटकम, चाराकर्तमम, असीपत्रम, लालापक्षम, क्रिश्चियनिटी में जिसे जजमेंट बोलते हैं ना, उसी प्रकार ही हम लोगों के ये कॉन्सेप्ट। क्यों मिस्टर सत्यनारायण, सारी जानकारी मिल गई ना, आप खुश हैं ना? बहुत शुक्रिया आपकी मेहरबानी से, मुझे सैमसंग कलर टीवी मिलेगा रामा। चलता हूं मैं। अरे पैर संभाल के, तो कीड़ा मकड़ा घुसा है। अरे हमारे घर में ये कीड़ा कैसे? हाँ एक घोर जंगल में एक तपस्वी को मिलने गए थे, वहाँ से शायद ये कीड़ा चिपक के हमारे साथ आ गया होगा। अभी क्लियर कर देता हूँ। ये सीधा चल रहा है उल्टा चल रहा समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा चलते हैं अंकल। चलता नमस्कार। हम भी चलते हैं। अरे जिस काम के लिए आई थी वो तो बताओ। अम्बी की तबीयत ठीक नहीं है ना? मेरी बात छोड़िए, आप बोलिए। नंदिनी अब ब्याह के काबिल हो गई है, उसके लिए दहेज जमा करना है और उसके लिए जगह भी देखी है, रजिस्ट्रेशन करना है। उसकी डॉक्यूमेंट्स अगर आप देख के रजिस्टर करवा देंगे तो हेल्प हो जाएगी। ये कौन सी बड़ी बात है, मैं कल ही करवा दूंगा। क्या माँ? हाँ? दूसरा कोई नहीं मिला? क्यों, रजिस्ट्रार ऑफिस में कुछ उल्टे सीधे रूल्स बोल दिए तो हो गया? अच्छी बात है, रूल्स बोल के रिश्वत कम हो जाएगी, वकील की फीस कम देनी पड़ेगी। चलो। परेशानी होगी माँ। आओ बैठो। रजिस्ट्रार से बात करके अरेंजमेंट कर दिया है। उनको कुछ 5,000 देने पड़ेंगे, बाकी सबको मिला के 1,700 रुपए। हेलो, अरे कौन है आप? क्यों रजिस्ट्रार को 5,000? हम अपना काम लीगली खुद करवा लेंगे, जाओ। विक्रम कौन है? यही है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दो मुझे। बाकी डॉक्यूमेंट सब है ना? पूरे है। हाँ जैसे मैं कहता हूँ वैसे टाइप करो। नंदिनी जमीन की कीमत का 8% स्टैंप पेपर खरीदना होगा। क्या कीमत है जमीन की? 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए? लेकिन वहाँ तो जमीन की कीमत 12 लाख रुपए है। चिल्ला मत, तुम ठीक कहते हो। 12 लाख की रजिस्ट्रेशन करानी हो तो 96,000 के स्टैंप पेपर लगेंगे, तब कहाँ से लाएंगे, इसीलिए 8 लाख की रजिस्ट्रेशन। बाकी 4 लाख रुपए?
कैश देंगे। ब्लैक मनी क्या? चिल्ला क्यों रहे हो? ब्लैक मनी लेना देना पाप है। इंडिया ब्लैक मनी की वजह से तरक्की नहीं कर रहा है। पहले उन 4 लाख रुपए का अकाउंट दिखाओ, फिर 1,34,646 रुपए इनकम टैक्स का भरो। इनको पूरी की पूरी पेमेंट चेक से करो पहले। 96,000 का स्टैम्प पेपर भरना ही होगा तुम्हें। मैंने माँ से कहा था कि ये आया तो काम नहीं होने वाला। क्या तुम जिंदगी भर रूल समझाते रहोगे? क्या सब तुम्हारी तरह ही काम करते हैं? सुनिए, हर रोज इस ऑफिस में 100 डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर होते हैं, सब के सब अंडर वैल्यू होते हैं। सब लोग इस प्रकार ही खरीदते हैं, बेचते हैं। सब लोग जो गलती करते हैं वो सही नहीं हो जाता नंदिनी। पढ़े लिखे हम लोग की जिम्मेदारी के बिना काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट को धोखा देना गलत बात है। कैसी गवर्नमेंट? हर चीज पर टैक्स भर रहे ना हम, इस व्यवस्था से सभी परेशान हैं। किस किस की पॉकेट में जाता होगा ये सब? इतना जो हम भर रहे हैं ना, वही बहुत है। इस प्रकार का धोखा न्याय का रूप नहीं ले सकता नंदिनी। अब ये काम करोगे या नहीं? सॉरी नंदिनी, कानून के विरुद्ध कोई भी काम नहीं करूंगा मैं। अरे तुम थोड़ा प्रैक्टिकल क्यों नहीं हो जाते? प्रैक्टिकल होने का ये मतलब नहीं है कि हम गलत काम करें नंदिनी। अरे भाई मैं कागजात टाइप करूं या ना करूं, बोलिए जल्दी, कितने लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं बताती हूँ अमाउंट, उसी प्रकार टाइप कीजिए। ये तो हमेशा रूल्स झाड़ते रहेंगे। मुझे कैश दे दीजिए प्लीज। लीजिए। टॉयलेट में जाके इन रुपयों को गिन लो, पूरे है या नहीं। दिस इज इललीगल। तुम भी इन लोगों का साथ दे रही हो, सोचकर दुख हो रहा है नंदिनी। यहाँ क्या रामलीला चल रही है? जो ओवर एक्टिंग कर रहे हो, जाओ जाकर मेरा ऑटो में इंतजार करो। मेरा साथ देंगे सोच के लेकर आई थी। यहाँ आकर हंगामा खड़ा कर दिया। ये क्या सर पर? ओ, उसने टाइल्स फिक्स करके उतरने लगा तो स्लिप हो गया और चोट लगी। दैट्स नथिंग। ओके कहीं बाहर चलें? मैरिडन कॉफी शॉप, डेन पेपे मैक्सिकन रेस्टोरेंट, और डू यू वांट टू बुक एट अ बफर इन द डिस्को सेट? नहीं, कॉलेज जाना है। ए नैंडी, यू सपोज टू बी इन लव, लेट्स गो टू सम प्लेस एंड डू द यो-यो मैन। मैं नहीं आऊंगी। व्हाई? किसी गैर के साथ नहीं। अरे ये क्या अचानक? आई एम रैमो द रैंप ऑफ मॉडल, यू नो। मैं तुम्हारा नाम बस वही जानती हूँ। अचानक आते हो, अचानक गायब हो जाते हो। कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो, एड्रेस क्या है, बैकग्राउंड क्या है, कुछ भी तो नहीं जानती मैं। ए नैंडी, जब हम एक दूसरे को दिलो जान से चाहते हो तो ये सब क्यों? ब्ला ब्ला ब्ला। मुझे तुम बहुत पसंद आए। तुम्हें जब भी देखती हूँ मस्त हो जाती हूँ। तुम्हारी पोएटिक जैसी बातों से मैं अट्रैक्ट हो जाती हूँ, ये सच है। लेकिन अब मैं सीरियस होना चाहती हूँ। मेरा फ्यूचर तुम ही हो रेमो। सोच के मुझे बहुत अजीब लग रहा है। क्या शक कर रही हो मुझ पे? ये बात नहीं है, थोड़ा इन सब पर रोक लगाऊं तो ठीक होगा सोचती हूँ। क्या भरोसा नहीं है मुझ पे? विश्वास नहीं है मुझ पे? रेमो, रेमो क्या कर रहे हो? रेमो, रेमो रुक जाओ। भरोसा है कि नहीं? ये क्या पागलपन है? भरोसा है कि नहीं? भरोसा है तुम पर रेमो। यो यो या या। हे भगवान, काफी समय हो गया मैं चलूं। हमने जो नया लैंड खरीदा उसका इंस्पेक्शन है आज। उसके लिए जाने की क्या जरूरत है? दैट्स देयर ड्यूटी। अंडर वैल्यू रजिस्ट्रेशन करवाया मैंने। समय पर वहां रहकर 1,000-2,000 दूंगी, तभी अप्रूव करेंगे वो। ए नैंडी, रेस्टलेस हार्मोन्स वगैरह ऑन करके ऐसे अब्रप्टली कट करके मत जाओ। एटलीस्ट एक किस तो कंप्लीटली मुझे दो। क्या हुआ रेमो? रेमो सरकार को धोखा देती हो और तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रेमो मजाक मत करो प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। नॉर्मली बात कौन है रेमो? मैं अपरिचित हूँ।
आज तुम्हारा आखिरी दिन है, आखिरी लम्हा। देखो गलती करने वाला कोई भी अपरिचित से बच नहीं सकता। उसे मरना होगा, बचाने की कोशिश मत करो, खत्म कर दूंगा मैं। उसकी जान को मैं हरगिज नहीं देने दूंगा। ये क्या नेंडी और नॉन्डी करता है, बिल्कुल पावला। Ah!
तुमने ठीक से ना देकर धोखाधड़ी की है। 12 लाख की जमीन को 8 लाख बता के झूठ बोलने का पाप किया। अग्निभस्म 4 लाख ब्लैक मनी रखने का पाप करने के लिए ये उसके कागजात भी फंस। ये सब तुमको कैसे पता? ए, कौन हो तुम? अंबी हो ना? अंबी हो ना? कौन अंबी? मैं परिचित हूँ। नहीं, झूठ है, झूठ बोल रहे हो। यही चोट मैंने अंबी के फेस पर देखी थी। तुम अंबी बन के नाटक कर रहे हो या अंबी तुम्हारी तरह नाटक कर रहा है? रेमो कौन है? अंबी, रेमो, अब परिचित, बताओ सच क्या है? तुम मरने वाली है, यही सच है। सब कुछ जान गई हूँ मैं, तुम अंबी ही हो। मैंने तुम्हारे प्यार को धिक्कार दिया था, इसीलिए अपना हुलिया बदल के मुझसे बदला ले रहे हो। टैक्स चोरी करके सरकार को धोखा देने की सजा। देखो उस अग्नि को, उसमें भस्म हो जाओ। तुमने मुझसे अपनी जान से ज्यादा प्यार किया है। सर्वधर्म और चच्ची मामे का सर्वम प्रच्छु अहं त्वा सर्वमावेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शशाम। सर्वधर्म प्रच्छु मामे का सर्वम प्रच्छु अहं त्वा सर्वमावेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शशाम। नंदिनी, कैसे? सॉरी नंदिनी, यहाँ कहाँ?